तस्वीर है दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला थाना नंद नगरी इलाके के पुनर्वास बाजार डीडीए मार्केट की, जिसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर किसी सब्जी मंडी की होगी, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। हम आपको इस डीडीए मार्केट की सच्चाई बताते हैं। यह नजारा नंद नगरी स्थित एक साधारण डीडीए मार्केट का है, जिसे दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद लोगों को सस्ते रेटों में अलर्ट किया था, ताकि वो अपने बेरोजगारी से निजात पा सके। पर यहाँ तो रोजगार की आड़ में कुछ और ही चल रहा है, जिसका फायदा कुछ दुकानदार गलत तरीके से ही उठा रहे हैं। इन लोगों की छह पर ही नशेड़ी और शराबियों के साथ असामाजिक तत्वों ने पूरी मार्केट को अपनी गिरफ्त में लिया है और पूरी डीडीए मार्केट को बियर बार बना दिया है, जिससे क्षेत्र का माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। आप स्वयं सुनिए इस परेशानियों को झेल रहे लोगों से। जो कमाते हैं ही देते हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके, और परेशानी तो बहुत है। और स्कूल बच्चे जाते हैं, दारू पीने वाले गड़बड़ करते हैं, साथ में बच्चे डर के मारे स्कूल में जाते नहीं है, छेड़छाड़ करते हैं, बेनिफिट बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा है। डीसी जी के सामने जाकर करना पड़ेगा, हमें तो धरना प्रदर्शन करते हैं, जाते हैं ये दारू बंद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, घर में खुल रहे हैं, लोग बाग दारू पीते हैं, डीसी जी देते हैं। भैया बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी समझने की जरूरत है कि पब्लिक प्लेस में हो रहे इस तरह की अवैध गतिविधियों को जल्द से जल्द रोका जाए। जब तेज निगाहें चैनल ने इस मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई करने की बात की है। दिनेश सोलंकी के साथ गौरव रावत की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।